समझ लीजिए कि हम लोग जो है मौत को छू के वापस आए हैं। लास्ट में ऐसा समझ में आया कि अब हम लोगों को शायद ही कोई बचा पाए, तो ये सोचा गया कि मरने से बेहतर है थोड़ा हाथ पांव ना रहे। हम लोगों ने सोचा नहीं, जंप लगा दिया ऊपर से। लोग फोन किया कि चाचा जिस कोचिंग में आग लग गई है और बच नहीं पाएंगे हम लोग, वापस नहीं आ सकते। हम लोग उस टाइम जो वही खिड़की तोड़े, खिड़की तोड़ने के पहले मैंने घर वालों को सूचना दे दी कि अब जो है शायद ही मैं वापस आ पाऊँ, आप लोग जो है संयम बरतिएगा। कोई फिर बाहर देखते इससे पहले पता लगता आग लगी है, पूरा चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और इस टाइम जो है हम लोग इधर उधर भागने लगे, फिर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। निकलने का कोई एग्जिट था ही नहीं, क्या ही कर पाते उस टाइम। खिड़कियां हम लोगों ने काफी तोड़ी, बाहर ग्रिल लगी हुई थी, लगा कि बचना नामुमकिन है हम लोगों के लिए। लेकिन जुलकर तोड़ा, तोड़ने के बाद लगभग एक से दो मिनट के भीतर 250 बच्चे नीचे जंप करे। उसमें कई हमारे साथी घायल हुए हैं, कईयों का जो है ट्रामा सेंटर में है, कई कोमा में है। जिन्होंने इतना ज्यादा फॉग हो गया था कि हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, हम लोग अपने आप को पूरा एकदम हारा हुआ मान लिए थे। हाल ही में दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग के अंदर आगजनी की ऐसी घटना होती है जिसमें तकरीबन हजारों बच्चे फंस जाते हैं, जिसके बाद जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए किसी तरीके से अपने आप को उस कोचिंग के उस जो पूरा भवन था, जो मंजिला था, उससे अपने आप को बाहर निकालते हैं। तमाम ऐसे बच्चे होते हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो आपके दिल को झकझोर कर रख सकती हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो तकरीबन 3 फ्लोर 4 फ्लोर से नीचे सीधा जंप करते हैं, आखिर वो किस हालात में या तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तस्वीरें थी वो अपने आप में बेहद दर्दनाक और बेहद भयावह थी। उसी जो पूरा मंजर था, उसी मंजर से जो जिन्होंने अपना आंखों देखी सारी बातें हमारे साथ बताने के लिए मौजूद हैं। उस चूंकि उस कोचिंग में स्वयं भी पढ़ते थे और इनके साथ जो पूरा हादसा हुआ था, पल पल इनके साथ वो हादसा चल रहा था। मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक सिंह जी, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में IAS बनने का ख्वाब आंखों में सजा कर गए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि मौत इन्हें आकर जकड़ेगी। अभिषेक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सुरक्षित अपने घर आ गए हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। और आप संघर्ष कैसे करके आए, कैसे यहाँ तक हो पाया? संघर्ष का वर्णन ना किया जाए दोबारा सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बता दिया जाता है कि ये समझ लीजिए कि हम लोग जो है मौत को छू के वापस आए हैं। जी। क्या उस समय कब पहली बार आप कैसे कोचिंग में गए थे? कोचिंग में हुआ ये कि मैंने गया, मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कोचिंगों में एडमिशन लिया जी। और वहाँ पे जो है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हमारी क्लास चल रही थी जी जी। और उस क्लास में अचानक आग और धुआं का जो है इतनी बढ़िया लपट उठी कि हम लोग समझ नहीं पाए कि हम लोगों को करना क्या चाहिए जी जी। और अफरा तफरी मच गई, पूरा एकदम घबराहट का माहौल बन गया जी जी। और उस समय हम लोग की पहले समझ पाते कि आग देखते देखते धुआं पूरा पूरे कमरे में जो है छा गया था जी जी। और उस टाइम हम लोगों को समझ में तो कुछ आया नहीं है, धुआं इतना ज्यादा था कि हम लोग ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे। फर्श पे जो है इस सहारे से ऐसे जी जी। सर नीचे करके नाक रगड़ रगड़ के किसी तरीके से चल रहे थे जी जी। फिर लास्ट में ऐसा समझ में आया कि अब हम लोगों को शायद ही कोई बचा पाए। अच्छा, कैसे हुआ, कब आपको लगा कि अब इस भवन में आग लग चुकी है और आप लोग संकट में हैं? कैसे आप, कौन सबसे पहले जान पाया? क्या टीचर भी वहाँ मौजूद थे? टीचर वहाँ पे सर काफ़ी सम्मानित टीचर मौजूद थे, हमारे उस कोचिंग के सबसे बड़े ऑनर भी थे वो जी। और उस टाइम उन्हीं की क्लास चल रही थी, लगभग 12:30 के बज रहे थे कि अचानक गेट से धुआं आना लगा जी जी। और जब धुआं आने लगा तो हम लोगों को एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ हुआ है। फिर बाहर देखते इससे पहले पता लगता आग लगी है, पूरा चारों तरफ अफरा तफरी मच गई जी जी। और इस टाइम जो है हम लोग इधर उधर भागने लगे, फिर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। निकलने का कोई एग्जिट था ही नहीं, क्या ही कर पाते उस टाइम। तो फिर क्या हुआ, फिर टीचर्स जो थे इमिडिएटली क्या फिर राहत आप लोगों को देने की कोशिश की गई थी या बेसहारा यूं ही छोड़ दिया गया था? नहीं, टीचर तो उस टाइम थे, लेकिन टीचर किधर गए, दिखे नहीं टीचर। लास्ट में तो निकले थे टीचर हम लोगों को बचा के, लेकिन टीचर ने क्या किया कैसे किया ये हम लोगों को नहीं पता, जो किए हम लोग स्वयं किए। खिड़कियां हम लोगों ने काफी तोड़ी, बाहर ग्रिल लगी हुई थी, लगा कि बचना नामुमकिन है हम लोगों के लिए। लेकिन लास्ट टाइम में एक
खिड़की टूटी, उस पर कुर्सी से हम लोगों ने काफी तेज वार किया तो कुर्सी का जो पैर है वो उसमें धंस गया। और उसमें जब धंसा तो हम लोगों को उम्मीद की किरण दिखी कि वहां से उजाला आ रहा कि पीछे ग्रिल नहीं है। और फिर उसको काफी बच्चों ने जुड़कर तोड़ा, तोड़ने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट के भीतर 250 बच्चे नीचे जंप करे। उसमें कई हमारे साथी घायल हुए हैं, कईयों का जो है ट्रामा सेंटर में है, कई कोमा में है। अभी तो वहां से सुनने के बाद मैं गांव चला आया, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है क्योंकि कुछ दिन नया नया हुआ था गए तो उतना बढ़िया से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन बच्चे घायल बहुत ज्यादा है। जिस समय पूरी आगजनी की घटना हुई तो उस कमरे में तकरीबन कितने बच्चे मौजूद थे? तकरीबन लगभग 400 बच्चे मौजूद थे। 400 बच्चे मौजूद। क्या उसमें बच्चियां भी थी, लड़कियां भी थी? हाँ, लड़कियां भी 40% से ज्यादा लड़कियां थी। 40% से ज्यादा लड़कियां थी। तो फिर क्या हुआ जब अचानक जो है पूरी तरीके से माहौल बना कि अब आग लग ही चुकी है, लपटें उठनी शुरू हो गई हैं, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया, धुएं का गुबार उठ रहा था, फिर ऐसे में आप लोगों को क्या कुछ वार्न भी किया गया था, आप प्रयास करिए, या फिर एक कभी ऐसा लगा कि नहीं अब जिंदगी की जंग बस आज ही रुक जाएगी? जिंदगी जंग क्या, हम लोग पूरा हारा हुआ मान चुके थे, मान क्या चुके थे, हम लोग लेट चुके थे। जी जी। धरती मतलब फर्श पे जो है हम लोग लेट चुके थे, ना सांस ले पा रहे थे हम लोग, ना उठ पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे। जी जी। और उस टाइम पूरी फैकल्टी में कोई था ही नहीं, अगर था तो वही टीचर थे, टीचर भी उस टाइम देख ही नहीं रहे थे, इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा फॉग हो गया था कि हम लोग को समझ नहीं पा रहे थे। हम लोग अपने आप को पूरा एकदम हारा हुआ मान लिए थे। फिर कैसे आपने डिसीजन लिया कि अब खुद को बचाना है, चूंकि जिंदगी की जंग थी, लास्ट तक जूझना था, बचने की कोशिश आप लोग कैसे करने शुरू? जूझना क्या, हम लोग उस टाइम जो वही खिड़की तोड़े, खिड़की तोड़ने के पहले मैंने घर वालों को सूचना दे दी कि अब जो है शायद ही मैं वापस आ पाऊं, आप लोग जो है संयम बरतिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मतलब अपने आप को पूरा हम लोग सोच चुके थे कि अब मर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर जो है सबसे पहले फिर मतलब घर वाले भी याद आना शुरू हो गए होंगे उस वक्त, किसको आपने फोन किया, फिर वक्त की क्या नजाकत थी, क्या कुछ मन में चल रहा था? नजाकत का तो दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल अब क्या ही बताएं। उस टाइम मैंने जब मान लिया कि हम लोग यहां से सुरक्षित नहीं निकल सकते तो घर वालों को फोन किया, पहले अपने अंकल जी को फोन किया, उनका फोन बिजी आया, दूसरे वाले को फोन किया कि चाचा जिस कोचिंग में आग लग गई है और बच नहीं पाएंगे हम लोग, वापस नहीं आ सकते घर। घर पर भी इधर से रोना मतलब पिटना सब मच गया, काफी जो है हाहाकार, फोन घर वालों को आ रहे थे। फिर हमने जो है काफी बात नहीं थी, कहा यही बोला लास्ट टाइम कि हमें घर वालों से सबसे बात करा दीजिए, अब शायद मैं वापस नहीं आ सकता। घर वाले भी काफी यहाँ से अब कर ही क्या सकते थे, मैं 600-700 किलोमीटर दूर, रोने के अलावा कुछ काम था नहीं। फिर भी जो है काफी थोड़ा सूझबूझ दिखाया हम लोग, बुद्धि तो बंद ही हो गई थी। जी जी। फिर खिड़की खोला गया, फिर खिड़की से हम लोग कूदे और संयोग सही था कि हमारे कूदते टाइम दमकल और सीढ़ियां आ चुकी थी, थोड़ा सा सेफ निकल गया, लेकिन हमारे साथ के जो बच्चे कूदे थे उनमें से कई लोग जो है जब आप लोगों ने खिड़की को तोड़ा, फिर आपने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो फिर कितनी ऊंचाई आपको दिखी थी वहां से? ऊंचाई 4th मंजिला मकान था, उससे सबसे ऊपर हम लोग थे, ऊंचाई मानो 60-70 फीट ऊपर से हम लोग 60-70 फीट ऊपर थे। अगर वहां से फिर जब आप बाहर झांक कर देखे, क्योंकि खुद बचने का आप लोग प्रयास कर रहे थे, क्या कोई विकल्प आप लोगों को बाहर दिखा था? विकल्प कोई नहीं था, सिर्फ कूदना था, केवल कूदना था। अंदर रहते तो जलकर मर जाते, कूदते तो गिरकर मर जाते, बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई। फिर ऐसे हालात में फिर कैसे सूझबूझ, चाचा ने आपकी क्या कहा, परिवार वालों ने क्या कुछ आप लोगों को मोटिवेट किया? परिवार वालों ने काफी ढांढस बताया कि बेटा जो होगा देखा जाएगा, तुम जैसे भी करके थोड़ा सुरक्षित निकलो। उसके बाद जो है काफी हम लोगों ने उधर अंदर से क्लास में जो है मशक्कत की। जी। लास्ट में खिड़कियां जब टूटी तो ये सोचा गया कि मरने से बेहतर है थोड़ा हाथ पांव ना रहे, हम लोगों ने सोचा नहीं, जंप लगा दिया ऊपर से। तो आप समझ सकते हैं वो जो दृश्य है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे साथ बात कर रहे हैं अभिषेक सिंह जी, जिस तरीके से इन्होंने पूरे मंजर को बताया है और जो तस्वीरें निश्चित तौर पर सामने निकल कर आई वो अपने आप में बेहद दर्दनाक थी, बेहद भयावह थी। वही स्थिति थी, आगे कुआं पीछे खाई, अगर आप अंदर रहते हैं तो जल कर मर जाते और अगर कूदते आप तो गिरते तो गिर कर सड़क पर मर जाते। फिर भी लेकिन वो मंजर आखिर कैसा रहा होगा, वो दृश्य कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना आप इनकी बातों को सुनकर कर सकते हैं। और पहला इंटरव्यू मैं आपको इस तरीके का दिखा रहा हूँ जो वहाँ पर इन्होंने अपने आंखों से देखा था। फिर तमाम जो बच्चियाँ थी, जैसे आप लोग तो मान लीजिए हम लोग लड़के हैं, थोड़ा सा ये माना जाता है कि हम लोग अंदर से स्ट्रांगली कुछ पोजीशन बना सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन बच्चियाँ क्या डिसीजन ले रही थी, वो तो चीख पुकार मच गई होगी। बिल्कुल, बच्चियों में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी थी, बच्चियाँ रो रही थी, चिल्ला रही थी, और हम लोग हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर का तो मैनेज कर ही लेते हैं। वो लोग ना कूद सकती थी ना ऊपर जा सकती थी, उन लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई पड़ा, मतलब समय रहा वो।
लास्ट में जो है कुछ बच्चियां स्टार्टिंग में कूदी, बच्चियों में बच्चियां मतलब सबसे ज्यादा घायल भी हैं और उनका जो है इलाज चल रहा है, कई कोमा में हैं, कई अभी ऐसी सुनने में आ रहा है लापता हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी, कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली जब ऊपर से लोग कोई केबल का सहारा लेते हुए नीचे से सरकते हुए आते हुए दिखे, कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए, उस क्या हकीकत थी उसकी? हकीकत वीडियो जो है वो सही है बिल्कुल। हम लोगों ने केबल, रस्सी, सीढ़ी जैसा मतलब बहुत बच्चों ने तो किसी का भी सहारा नहीं लिया, ऊपर से सीधे नीचे जंप लगा दिया। तो आज क्या उनसे कभी हाल खबर उनकी मिल पाई? हाल खबर कुछ बच्चों का तो पता ही नहीं चल रहा है, कुछ बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। अब उस टाइम सेफ निकलने के बाद, अब पहले तो खुद की सुरक्षा जरूरी थी और हम लोगों ने वहाँ से घर वालों ने काफी प्रेशर किया कि आप गाँव चले जाओ, तो हम वहाँ से गाँव चले आए। अभी कोचिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी? नहीं थी, एग्जिट थी वही खिड़की तोड़ा गया और कोई एग्जिट नहीं था। क्या लगता है अब, चूंकि एक आईएएस बनने का सपना आंखों में और सामने मौत खड़ी हो जाए, तो फिर आगे का क्या प्लानिंग है इसको देखने के बाद? प्लानिंग का अब जब आईएएस बनने का हम लोग सोचे हैं तो धैर्य तो हम लोगों के अंदर होना ही चाहिए इतना। जी जी, तो उसी धैर्य के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम पूरा आगे बढ़ाएंगे, फिर से दोबारा जुटेंगे। जी, अब बेरोजगारी का माहौल आपको पता है, बिल्कुल भी अब हाथ पे हाथ रख के बैठा तो जा नहीं सकता। जी जी, दोबारा जाएंगे, कोशिश करेंगे, अपना भरपूर 100% देंगे, जो होगा आगे देखा जाएगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। ये अभिषेक सिंह जी थे जो उस समय मुखर्जी नगर की कोचिंग में जब वो आगजनी की घटना हुई थी, वो दर्दनाक, वो भयावह मंजर जब लोगों की आंखों में दिख रहा था। अभिषेक सिंह जी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास हैं क्या जो जिसे हमारे ऑडियंस समझ पाएँ कि आप उस कोचिंग में मौजूद थे? सबूत के तौर पर हमारे पास हमारा आई कार्ड जो था, इंटू मतलब अंदर वाला। जी, ये देख सकते हैं आप, ये वो कार्ड है और इसी कार्ड के सहारे इस कोचिंग में इनका दाखिला हुआ करता था। और उस कोचिंग, उस जो पूरा मंजर बता रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये प्रमाणित कर देता है व्यूअर को दिखाने के लिए। उनको विश्वास हो इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ा। और वो जो मंजर था बेहद दर्दनाक था, बेहद भयावह था। वो तमाम ऐसी तस्वीरें थी जो लगातार हमारे साथ साझा कर रहे थे अभिषेक सिंह जी। वो तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे ऊपर से नीचे की तरफ जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, चीख पुकार थी। लेकिन ऐसे में इस घटना के बाद मैं निवेदन करता हूँ तो वहाँ की सरकार की और तमाम जिस भी प्रदेश या जिस भी शहरों में इस तरीके की कोचिंगें चल रही हैं, निश्चित तौर पर इस बड़ी घटना के बाद संज्ञान लेना चाहिए और इमरजेंसी एग्जिट और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रिजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।